अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे दीदी सुदेश जी को, जो करीबन 45 वर्ष से ज़्यादा आपने ईश्वरीय सेवा में अपने जीवन को समर्पित किए हैं, और किस प्रकार से हम ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हुए इस प्रकृति का भी मालिक बन सकते हैं। इस जल दिवस पर जल का संरक्षण के साथ साथ प्रकृति को भी हम शुद्ध कर सकते हैं ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, आप हमें उसके ऊपर बताएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भ्राता अग्रवाल जी, हरिलाल भाई जी, तुलसी भाई, भ्राता जी तथा बहन, और सभी सभा में उपस्थित विद्यार्थी गण, और मीठे बहनों और भाइयों, आपने भ्राता अग्रवाल जी से बहुत ही विस्तार में वातावरण को शुद्ध करना, पानी को शुद्ध करने की विधि सुनी। प्रकृति के तत्वों को शुद्ध करने के साथ साथ हमारी जो अपनी प्रकृति है, हमारी जो अपनी नेचर है, उसको हम कैसे सदा शुद्ध रखें, इसका कनेक्शन है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार जल को देवता कहा जाता है, तत्वों को जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता, इंद्र देवता, ये देवता के रूप से माना जाता था। यानी जो देते हैं, और देते हैं तो सदा देते ही रहते हैं, परंतु धीरे धीरे आज दिव्यता दिव्यता नहीं रही उसको, जो देवता में मतलब शुद्धता, जब देवता कहा जाता है तो शुद्ध। आज देवताओं की पूजा करते हैं ना, मूर्तियों की भी पूजा करते हैं, तो कितनी शुद्धि से पूजा करते हैं। जब देवता शब्द कहते हैं तो इंसान और देवता में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। दैत्य मनुष्य और देवता, इतना कॉन्ट्रास्ट होता है। तो जब हम इन तत्वों को देवता शब्द कहते हैं तो सोचिए कितनी शुद्धि होगी इन प्रकृति के तत्वों में, जबकि हमारे वेदों में इनको देवता का नाम दिया गया है। परंतु आज वेद की ऋचाएं रह गई हैं, वेद के शब्द रह गए हैं, परंतु विद्या गुम हो गई है। वेद तो है पर उसकी विधि नहीं रही, विद्या नहीं रही। और जब विधि और विद्या नहीं रही तो हम आत्माएं नेचुरली उसका मिस यूज करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे प्रकृति के तत्वों को महत्व नहीं दिया, क्योंकि जल नेचुरली बरस रहा है। इतना समय तक ऐसे ही समझ दिया है तो इंद्र वर्षा बरसा रहे हैं और हम वर्षा ले रहे हैं, गंगा मैया बह रही है, हम निर्मल धारा में नहा रहे हैं, समुद्र जल दे रहा है, हम अथाह उसका फल पा रहे हैं। हमने उसको सिर्फ अपने सुख के साधनों में अथवा वैभव के साधनों में ले लिया, उसको वैभव की रीति से यूज किया, परंतु वास्तव में वो जीवन दाता है। जल जीवन दाता है, जल जीवन है। आई मीन हमारे शरीर में भी 70-80% वाटर है। प्रकृति अगर जल, कभी कभी किसी की तबीयत खराब होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो क्या संकल्प आता है, पता नहीं व्यक्ति चला ना जावे। जीवन और मृत्यु का सवाल हो जाता है यदि जल नहीं रहता तो। ऐसे ही मनुष्यात्माएं, हमने जल को किस तरह से यूज किया है, आज वैल्यू कितनी रखी है जल की, प्रैक्टिकल में आप देखें तो। क्योंकि जिस समय मुश्किलात से वर पानी मिलता था तो उसकी वैल्यू बहुत थी, उसकी शुद्धि का ख्याल रहता था। धीरे 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 हमने उसकी प्रकृति के तत्वों की वैल्यू नहीं रखी तो प्रकृति का प्रकोप होना शुरू हो गया, और प्रकृति की अशुद्धि धीरे 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 बढ़ती चली गई। क्योंकि देह का भान भौतिक तरीकों से हमने यूज़ किया, भौतिक देह अभिमान से हमने इसको यूज़ किया, अथवा ये कहें मिस यूज़ किया। अभी प्रैक्टिकल में मैं जब विदेश में देखती हूँ तो फिर भी भारत में, क्योंकि कुएं से जल लाना पड़ता था, तालाब से जल लाना पड़ता था,
फिर भी गांव में उसकी वैल्यू रही, शहरों में वैल्यू नहीं रही, क्योंकि नल का खोला पानी आ गया, गवर्नमेंट से दे दिया। जब बिजली का जब बिल देना पड़ा तो थोड़ा ध्यान रहता है, जब समय की सीमा का पानी होता है तो वह ध्यान रहता है, जिस समय सीमा नहीं थी और बिल नहीं देना पड़ता था तो कोई की विल पावर भी नहीं हो, कुछ की इच्छा भी नहीं होती थी संभाल रखने की, पानी बह रहा है। इसका मतलब है जब स्केयरसिटी आई तब हमारी बुद्धि खुलती है, और जब वातावरण बिल्कुल अशुद्ध हो गया है तब आँख खुली है, इसको हमको शुद्ध करना है। परंतु वातावरण को शुद्ध करने से पहले हमको अपनी वृत्तियों को भी शुद्ध करना होगा, अपनी मनोभावनाओं को भी शुद्ध करना होगा। किस प्रकार से हमको कहाँ चीज़ क्या डालनी है, आपने कितने सुंदर तरीके से देखा कि हमको जो वेस्टेज है उसको रिसाइकल करके फिर से उसको शुद्ध करना है। प्रकृति के पांचों तत्व की मदद से जब प्रकृति के पेड़ पौधे भी पानी को शुद्ध कर सकते हैं तो आप सोचिए हमारी मन के जो इमोशंस हैं उनको हमको कितना शुद्ध करना होगा, हमकी अपनी वृत्तियों को कितना शुद्ध करना होगा। आज लापरवाही के कारण बात कर रहे हैं, नलके का पानी बह रहा है, प्लेट एक धोनी है और एक प्लेट धोने के लिए, एक कप धोने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए, परंतु बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, पानी बहता चला जा रहा है, पानी चार गुना बह गया, हमने इसको महत्व नहीं दिया। तो नेचुरली ये धीरे धीरे लापरवाही के कारण, धीरे धीरे अटेंशन की कमी के कारण हमको ये भूल गया कि हम उसके महत्व को कम कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, जैसे एक मिसाल बताती हूँ, लैंप जल रहा होता है ना, अगर उसमें मिक्सचर है तेल में तो बत्ती तो अंदर जल रही है, हम समझते हैं बत्ती जल रही है, बत्ती समझ ले मैं जल रही हूँ, धीरे धीरे क्या होता है सूट इकट्ठा होता है, वो काली में इकट्ठी होती जाती है, चिमनी भी काली हो जाती है, ऊपर भी सूट इकट्ठा हो जाता है, बिजली समझ लैंप समझ रहा है मैं जल रहा हूँ, परंतु जल जो रास्ता देने का जो कार्य है ना वो दीपक नहीं दिखा रहा। दीपक का कार्य है दीपक दिखाना, रास्ता दिखाना, पर दीपक रास्ता दिखाना बंद कर देता है। तो क्यों? उसमें मिक्सचर हो गया, उसमें प्रदूषण आ गया। तो ऐसे जैसे जल में प्रदूषण आया तो वायु में प्रदूषण आया, परंतु ये प्रदूषण कहाँ से आया? ये हमारी मन की वृत्तियों से, हमारी लापरवाही से, हमारे मिक्सचर से। तो जितना जितना ये स्वार्थ लोभ की वृत्ति, पानी में डिवीजन, आकाश में डिवीजन, वायु में डिवीजन, ये डिवीजन जब मनुष्य की वृत्ति में आता चला गया तो इसमें क्या होता चला गया, प्रदूषण अंदर के प्रदूषण से बाहर का प्रदूषण बढ़ गया है। इसलिए अपनी वृत्ति को और नेचुरल प्रकृति को बदलने के लिए हमको आत्मा अभ्यास करके परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना होगा, ताकि फिर से इन्हीं तत्वों को देव रूप से माना जाए, और वो जो इनकी पूजा देवता रूप में होती है वो, क्योंकि वो दिव्यता में शुद्धि देते हैं। आज मनुष्य हम सब बाहर साधनों से जल को शुद्ध कर रहे हैं, परंतु जब मन की शुद्धि से हम उनको शुद्ध रीति से यूज करेंगे, इमोशन को अंदर ठीक, क्योंकि इमोशंस का कनेक्शन है, वृत्तियों का कनेक्शन है, तो इतना जितना अपने में शुद्ध करते चले जाएंगे तो यही प्रकृति फिर से सत्व प्रधान हो जाएगी। इसका मतलब हम सत्य स्वरूप में सत्यता से बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी वैर वृत्त और या प्रभाव के या अहंकार के प्रभाव से यूज़ करेंगे तो वो अंदर का प्रदूषण जितना जितना खत्म होगा तो बाहर के प्रदूषण को इसे सफल को सफल करने में, प्रदूषण से शुद्धि करने करने में हमको सफलता मिलेगी, और वो फल फिर से बीज बन जाएगा, फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में। जैसे फल जब होता है तो फल में बीज होता ही है, यानी फ्यूचर समाया हुआ होता है। तो अगर हम इसमें सफल होते हैं वातावरण को अभी शुद्ध करने में तो फ्यूचर हमारा बीज फिर से वो श्रेष्ठ फल निकलेगा, अथवा हमारे कर्मों में भी श्रेष्ठ बल रहेगा। उसके लिए हमको चाहिए आत्मिक स्मृति, आत्मदर्शन और परमात्मा के साथ संबंध। तो फिर से इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हमको स्वयं देव बनना होगा और अपनी स्थिति को इतना ही ऊंचा रखना होगा। इसलिए हमेशा आकाश देखो, इंद्र जी को देवता सब देवों में देव मानते हैं,
जल देवता को इंद्र देवता कहते हैं। तो ऐसा दिव्य शीतल संस्कारों वाला लाइट स्वरूप में खारेपन को बदल करके शुद्ध बनाएं तो शुद्ध वातावरण मिलेगा। इसलिए हमको फिर इसका प्रोसीजर है, जैसे ये पोल्यूशन को ठीक करते हैं, ऐसे जो अंदर खारा सागर बह रहा है ना, उसको जब तक हमने ज्ञान सूर्य की शक्ति से इतना शुद्ध नहीं किया, आकाश की बादल की तरह लाइट नहीं बने, स्वच्छ स्वच्छ नहीं बने, तो फिर से वो नदियों का प्रवाह, फिर से वो पवित्र शुद्ध जल नहीं मिलेगा। इसलिए इन प्रकृति के तत्वों के साथ हमारा कनेक्शन है, ज्ञान सूर्य के साथ हमारा कनेक्शन है, ज्ञान सागर के साथ हमारा कनेक्शन है। तो हमारा आंतरिक और बाहरी दोनों कनेक्शंस का बैलेंस होगा तो वातावरण में फिर से शुद्धि होगी। परंतु उसके लिए बुद्धि की शुद्धि ज़रूरी है, आत्म संबंध परमात्मा के साथ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। ओम शांति।